बिहार में जातीय जनगणना सार्वजनिक हुआ उसके बाद बिहार में एक अलग माहौल बन गया है। सब लोग अपने अपने बारे में तर्क देने में लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाप के जिलाध्यक्ष संजय कुमार यादव जी, इन्हीं से बात करेंगे कि क्या माहौल है। संजय जी, कैसा फील अप करते हैं अपने आप को, आप ताकतवर महसूस करते हैं पहले की तरह, ये और ताकतवर महसूस करते हैं? देखिए सर, ये तो जातीय जनगणना जो है पूरे देश में करने की जरूरत है और बिहार सरकार को हम खास करके इसमें बधाई देते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी भी लगातार सड़क पर संघर्ष कर रही थी जातीय जनगणना के लेकर। हम लोग जिस प्रकार से पूर्व में देश में जो है केंद्र सरकार ने हमारे बड़े भाई जनरल कोटा में 10% आरक्षण दिया, ठीक है आपकी हिस्सेदारी थी, 10% आपका आबादी के हिसाब से आपको आरक्षण मिला, बहुत उसका हम लोग स्वागत किए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज ओबीसी अत्यंत और पिछड़ा वर्ग को मिला के 63% आबादी रखती है, तो 63% में जो है हमारी हिस्सेदारी जो है मिलना चाहिए हर जगह पे। मैं सवाल उठाता हूं बीजेपी के जो है आला कमान से कि आप बताइए हमको कि आपके जो है पूरे देश में जो आप शासन चला रहे हैं कितने ओबीसी मुख्यमंत्री को आपने बनाए हुए हैं, कितने एससी एसटी को आप बना के रखे हैं। तो देश में जरूरत है, हम 10% लोग जो है हर जगह काबिज हैं, लेकिन भाई जी सिर्फ भाजपा ही नहीं सभी दलों का यही स्थिति है कि सब दल में ये स्थिति है कि कोई भी उसके हक अधिकार के तहत उतने लोगों को नहीं बनाया है। अब जब सार्वजनिक हुआ है तो अब सोच रहा है लोग कि अब क्या करना है, तो भाजपा भी सोचेंगे। देखिए सर, भी अब बात यहाँ पे है कि जैसे हम बीजेपी को इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी के शासन काल में हम लगातार हम लोग सड़क पर संघर्ष आज 5 साल से कर रहे थे, और एक तरफ दूसरे तरफ से बीजेपी का आला कमान इस पर जो है पूरे देश में सर्वे नहीं कराने का काम किया। अगर हमारा केंद्र सरकार इस पर अनुमति देता तो पूरे देश में ये जातिगत जनगणना संभव हो पाता, नहीं देने के कारण ही तो बिहार में संभव हो पाया है, पूरे देश में नहीं हो पाया है। तो हमारी तो मांग है कि आप पूरे देश में जातिगत जनगणना को करा के डाटा को सार्वजनिक कीजिए। दूसरी बात, जैसे अभी डाटा ना आया 14.23% यादवों की संख्या पिछड़ा वर्ग में जो है बहुत बड़ा समुदाय, तो उनकी हिस्सेदारी जो है यादवों की हिस्सेदारी भी जो है हर जगह मिलना चाहिए। आप आज देख लीजिए सेक्रेटेरिएट में किसी भी जॉब में देख लीजिए तो यादव लोग के जो गरीब अभी भी यादव लोग जो है अपने अनुपात में वो नहीं जगह बना पाए हैं। सिर्फ आप यादव के बारे में बोल रहे हैं? हम सिर्फ यादव को नहीं बोल रहे हैं सर, हम सबको बोल रहे हैं। अति पिछड़ा की भी तो बात हमने किया, हमने रविदास की बात कर रहे हैं, हम पासवान की बात कर रहे हैं। आज यादव के बाद जो है अगर छोटे से पासवान जी का दूसरा नंबर है, रविदास जी का नंबर है, तो ये सारे दबे कुचले लोग इनको जो है हिस्सेदारी नहीं मिल पा रहा है हर जगह पे। अति पिछड़ा से तो मोदी जी भी हैं, प्रधानमंत्री हैं देश का। अब बात है कि अति पिछड़ा से मोदी जी हैं, पहले मोदी का सेंसस जो है 2000 ये आप उसको 14 के पहले आप देख लीजिए, 2000 में उन्होंने डाटा परिवर्तन कराया है गुजरात में। अब मोदी जो समुदाय था वो पहले आपके फॉरवर्ड क्लास से आते थे, ठीक है हम मानते हैं कि मोदी जी का जो है एक प्रधानमंत्री बना दिया तो मंत्रिमंडल में कितने आपके एससी एसटी के लोग हैं, कितने ओबीसी के लोग हैं। अच्छा ये बताइए संजय जी, ये जो सार्वजनिक किया गया जातीय जनगणना, बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे पास तो आया ही नहीं जातीय जनगणना, तो कैसे ये डाटा कौन सही मान? देखिए सर, कुछ लोग क्या कहते हैं हम इस पर नहीं जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर कुछ बने डाटा जो है, आज मल्लाह जाति के मल्लाह का जो है 2% दिया गया, तो ये डाटा गलत है। 10% जो है जनरल कोटा का पहले भी हम लोग जानते थे कि 10% उनकी आबादी है, तो 10% आज भी दिखाया गया है, उसमें कहां फिर बदल है। अब राजनीति करना है तो राजनीति में आप कुछ भी बोल दीजिए, तो राजनीति में बोलने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी आप बोलिए, हम पूरी तरह से जायज मानते हैं इस डाटा को। हमारे घर पर तो लोग आए थे, हम इसका पूरा हमारे तो मेरे घर पे भी आए थे। हाँ तो हमारे घर पर आए, अब राजनीति में लोग बोल रहे हैं उसका क्या प्रमाण है कि आपके पास नहीं गए हैं? क्या उनके घर के उनके परिवार के लोगों का जो है इसमें डाटा नहीं है? अब आपको क्या लगता है कि लोगों को अब उनका वाजिब हक मिलेगा? वाजिब हक सर इतने आसानी से नहीं मिलेगा,
सारे राजनीतिक पार्टियों से जो है आम पब्लिक को संघर्ष करना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। आप क्या करेंगे? हम तो लगा अभी आपके माध्यम से जो है हम अपनी आवाज को, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज जो है देश में जो है गूंजे, और आवाज के माध्यम से तो हम लड़ाई लड़िए रहे हैं। जरूरत पड़ा तो सड़क पर भी हम संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ा तो सड़क पर भी संघर्ष करेंगे। संजय जी, जो आपके नेता हैं, जो आपके जहानाबाद जिला अध्यक्ष भी हैं, काफी मूड में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि जातीय जनगणना हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए ताकि सभी को सबका वाजिब हक मिलना चाहिए। इजाजत दीजिए, अगली बार दूसरी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।